अस्सलाम वालेकुम, आई एम नोमान अहमद फ्रॉम उन विलास इंग्लिश ग्रामर स्कूल। उन विलास ऑनलाइन क्लासेस में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंटिन्यू है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री आर देयर। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, अब देखें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ के अंदर यूजेज के बारे में बात की जाए तो देखें, सबसे पहले हम जब भी एक हम लोग जो है वो केमिस्ट्री का वर्ड सुनते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में एक शख्स आता है जिसने लैब कोट पहना हुआ है, ग्लव्स पहना हुआ है, और वो लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो केमिकल्स के साथ जो रिएक्शन करवा रहा है। बट ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री एक लेबॉरेटरी तक महदूद नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में, इवन दैट हमारी बॉडी के अंदर हर जगह केमिस्ट्री मौजूद है और हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन वी ईट वी ब्रीथ, व्हेन जस्ट वी सिट डाउन, केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, क्योंकि ऑल मैटर्स आर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ केमिकल्स, लिहाजा केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ ऑल थिंग्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से केमिकल केमिस्ट्री जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती है या केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर हम किचन में देखते हैं कि जब फूड पक रहा होता है, खाना पक रहा होता है, तो वो जो गोश्त है वो पकने से पहले और पकने के बाद उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शंस होता है, वो पूरा चेंज हो जाता है ताकि हमारी बॉडी उसके न्यूट्रंस को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। इसी तरीके से जो हम फूड रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रिजर्व करने के लिए, उसको महफूज करने के लिए, तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ताकि हमारा फूड जो है वो एनवायरनमेंट में मौजूद मॉइस्चर में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं उनसे महफूज रह सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। सबसे पहले देखें, नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, केमिस्ट्री इज़ एन एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइंस, यानी केमिस्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर तजुर्बाती साइंस है। यानी केमिस्ट्री के अंदर हम जिन भी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लॉस के बारे में पढ़ते हैं, या जो है वो हम किसी भी स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होता है, और उन चीज़ों को हमने बनाना, और हम उसको बनाते हैं लेबॉरेटरी लेवल पर भी और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी। तो लिहाजा केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री जो है वो एक मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल साइंस है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर्स, इसने हमें गिज़ा फराहम की है, कपड़े और रहने के लिए घर फराहम किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले गिज़ा नहीं होती थी, पहले भी गिज़ा होती थी, लेकिन अभी जो है वो आज के दौर में हमें हमारे फूड के बारे में और ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज पता है कि भाई हमें फ़ूड के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन मौजूद होते हैं, विटामिंस मौजूद होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें पता चला। इसके अलावा विटामिंस कौन कौन से फूड्स के अंदर या कौन कौन से फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं, प्रोटीन कहाँ कहाँ मौजूद होता है, एक इंसान को कितने कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है, ये तमाम चीज़ें हम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं। फिर वही विटामिंस हमारी बॉडी में कौन कौन से आज़ा को जो है वो बेहतर करता है, कौन सा हड्डियों के लिए बेहतर है, कौन सा आईसाइट के लिए बेहतर है, कौन सा हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहतर है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम केमिस्ट्री के ज़रिए जो है वो सीखते हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री हमने क्लोथ्स यानी कपड़े फराहम किए, हमने पढ़ा था पीछे क्लास के अंदर के केमिस्ट्री में हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, यानी हम धागे वगैरह बनाते हैं, वही धागों को धागों के ज़रिए फिर हम कपड़े बनाते हैं और फिर जो लोग हैं उनको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। शेल्टर्स यानी हमें घर फराहम करते हैं। देखिए, पहले के दौर में, बहुत पहले के दौर की अगर बात की जाए तो लोग जो है वो गारों में रहते थे, गुफा के अंदर रहते थे। ठीक है, और फिर जैसे जैसे दौर चेंज होता गया तो लोग कच्चे मिट्टी के बने हुए घरों में रहने लगे, झोंपड़ियों में रहने लगे, और आज के दौर की बात की जाए तो हम सीमेंट के बनी हुई पक्की इमारतों के अंदर रहते हैं। ठीक है, और इसी ज़रिए इसके मदद से हम जो है वो कुदरती आफात जैसे बारिश हो गई, धूप हो गई, तूफ़ान वगैरह, इनसे हम बचे रहते हैं। तो हम किस तरीके से केमिस्ट्री ने हेल्प किया, हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो है वो हमने सीमेंट बनाई और मिट्टी के साथ बाकी कंपाउंड्स को हमने रिएक्शन करवाया और सॉलिड से सॉलिड हमने सीमेंट बनाने की कोशिश की, और आज उन्हीं से बने हुए घरों के अंदर हम रहते हैं। फिर
इट मैटर विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के साथ भी रिलेट करती है, ठीक है। अब जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री जिस तरीके से डेवलप हो रही है वहाँ पर काफ़ी इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो इस उनसे बचने के लिए, जैसे एयर पोल्यूशन से बचने के लिए, नॉइस पोल्यूशन से बचने के लिए, वाटर पोल्यूशन से जो है वो बचने के लिए, हम क्या क्या इकदाम ले सकते हैं, किस किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं, तो वो उन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहीं किसी जगह पर कोई बीमारी आ जाती है तो वहाँ पर जो है वो एनवायरनमेंट में कौन सा स्प्रे करना चाहिए, किस तरीके से जो है वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए वहाँ के लोगों को उन चीज़ों से। इसके अलावा अगर हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो वहाँ हमने पढ़ा कि हम अगर वहाँ दरख्त लगाते हैं, क्योंकि दरख्त का क्या काम होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्ज़ॉर्ब करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उससे हमें ताज़ा हवा मिलती है, इसके अलावा हीट को भी वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो आबो हवा है वो मुतदल रहती है, वो जो है वो स्टेबल रहता है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद मैनी केमिकल्स आर डिस्कवर्ड विच इन्हेंस आवर हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग आवर लाइफ, यानी बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हमने डिस्कवर कर लिए हैं आज के दौर में जो कि हमारी लाइफ को बढ़ाते हैं और हमें हमारी सेहत को बेहतर करते हैं। जैसे पहले के दौर में क्या होता था कि लोग जो है वो छोटी छोटी बीमारियां उनको होती थी तो उनके ज़रिए से उनकी मौत वाकई हो जाती थी, वो मर जाया करते थे। लेकिन आज बड़ी से बड़ी बीमारी से भी हम बच जाते हैं, उसका भी इलाज मौजूद है। जैसे कैंसर है, कैंसर का भी एक हद तक ट्रीटमेंट मौजूद है और इलाज इसका भी होता है अगर इंसान पहले से उसकी प्रिकॉशन करे तो। जैसे हमने पढ़ा था कि कैंसर के जो मरीज़ होते हैं उनको रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनको रेडियोथेरेपी के ज़रिए उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे वो कैंसर के मर्ज से भी वो बच सकते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मेडिसन्स आज बन चुके हैं, वो भी केमिकल के ज़रिए ही मेडिसन्स बनाई गई हैं जिनसे बीमारियों से हम बच सकते हैं। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सम हार्मफुल केमिकल्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। अब जहाँ पर हमने इसकी इतनी इम्पोर्टेंस की बात की वहीं पर हमें इसकी थोड़ी सी नुकसान भी केमिस्ट्री के ज़रिए हमें मिले हैं। वो क्या है कि जैसे हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं तो वहीं पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पर हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर बन रहे हैं, तो वहीं उसी के केमिकल वेस्ट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है। जैसे वहाँ से निकलने वाली गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं, वहाँ से निकलने वाले केमिकल्स हमारे पानी में, दरियाओं में मिलकर हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसी तरीके से वही पानी जब इंसान इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी नुकसानदेह है। इसी तरीके से हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो केमिकल्स मौजूद है। जैसे टूथपेस्ट के अंदर एक केमिकल फ्लोराइड जो कि एक हैलोजन है, वो हमारे टूथपेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। सोप केमिकल से मिलकर बना है, डिटर्जेंट्स केमिकल से मिलकर बने हैं। इसके अलावा क्लोरीन भी एक हैलोजन कंपाउंड है जो कि बाकी तमाम जो है वो चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा इन शॉर्ट केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसकी हमारी लाइफ के अंदर जो है वो ज़रूरत है, बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा, इस क्वेश्चन को भी आपने कॉपी करना है, लर्न करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।